पेशेंट का ध्यान देना और डोजेस टाइम पर देती रहना। ओके मैडम। मैं बीच बीच में आकर चेक करती रहूंगी। हाँ, कब तक होश आएगा? मैंने आपको कितनी बार कहा है, अगर पेशेंट कोमा में है तो ये कोई नहीं बता सकता कि इसे होश कब आएगा। मैं भी नहीं बता सकती। वी आर रियली डूइंग अ बेस्ट। बेटा, तुम इस पेशेंट के लिए इतना क्यों परेशान हो? तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? इसकी सांसें चलती हैं तो मुझे जिंदगी मिलती है। बताओ वो वाली ड्रिंक किस टेबल पर जाएगी? टेबल नंबर 2, 5,000। टेबल नंबर 5। तू एकदम ना पागल है, सच बता रहा है। यस यार, आज बैड लक फटके मार रहा है। अब क्या? अभी जो लड़की वहां से अंदर आएगी, हम उसे सिर्फ एक बार देखेंगे और उसके बारे में जवाब देंगे। ओके। 30,000। लेकिन जवाब मैं नहीं दूंगा, वो देगा। यार ये तो एक साथ चार चार आ गई। पूजा। हाँ हाँ वही है, मैंने बताया था ना, बहुत अच्छा है। हाँ, चौथी लड़की के बेल्ट का रंग बता। ऑरेंज। नेक्स्ट बता, पहली लड़की के हाथ में चूड़ियां कितनी है? तीन चूड़ियां। मान गए भाई। नेक्स्ट, उनमें से एक के बदन पर टैटू है, कहां पर? गले से नीचे, कुछ 4 इंच नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड पर। बटरफ्लाई टैटू है। यार क्या सही डिटेल्स बताई यार। चल चल, ये सब अपना हुआ। सर को टकीला पिलाओ मेरे अकाउंट पे। अपने पैसे से क्यों पिलाया उसे? हमने 30,000 रुपए जीते और ये भिखारियों की तरह 600 रुपए के लिए रो रहा है यार। वैसे भी उन लोगों को तूने एक एक डिटेल कैसे बताई? अरे यार, यही तो उसे गॉड गिफ्ट मिला है। एक बार जो चीज देख ले फिर वो उसके दिमाग में प्रिंट हो जाती है और फिर उसे वो कभी नहीं भूलता। इसकी आंखें कैमरा और कान रिकॉर्डर हैं। बस कर पगले रुलाएगा क्या? इतना टैलेंटेड है कि IAS का एग्जाम क्लियर कर सकता है। टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है दोस्त, हम तो बस अपने फ्लो में जीते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि MCA बैच। MCA मतलब कोई डिग्री है? हाँ, माइंडसेट। अगर शर्ट का बटन टूट जाए तो क्या तूने कभी पिन से काम चलाया? नहीं तो? अगर तेरी जीन्स कहीं से फट जाए तो उसे रिप जीन्स बनाकर पहना है? नहीं यार, इसे तो पूरा ही समझाना पड़ेगा। चल। मुन्ना उठो, मुन्ना उठो, मीटिंग का टाइम हो गया है। चाचा, कोई सुबह सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए जाता है क्या? भाई के पास जाना, उसने मीटिंग रखी है। कहाँ पर? वापी, करियर के लिए। उनसे कह दो करियर के बारे में सोचा नहीं है। जिंदगी में जिम्मेदारी हो तो करियर की सोचोगे, न जिम्मेदारी है न करियर के बारे में सोचते हो। सुनती हो, इसके कपड़े ला कर दो। आप भी क्या, अभी अभी तो इसके कपड़े भिगोए हैं मैंने। अरे रे, अब तो उन्हें सूख कर इस्त्री करके आने में 3 हफ्ते लग जाएंगे। क्यों चाची, ठीक है ना? बिल्कुल मुन्ना, मैं उन्हें छत पर सुखा दूंगा, तुम तैयार हो? चाचा सुनो, एक बार मेरी बहनों को स्कूल से आते हुए देख लो, उसके बाद चलता हूँ। ठीक है बेटा, उन्हें देख लो। पम्मी, बिन्नी। हाँ पापा। ये क्या, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? आज तो संडे है भैया। और कोई बहाना सूझ रहा है मुन्ना? क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, अरे चला यार, मेरी सीट है, भीड़ हो गई है। चलो आगे चलो, सामान ठीक से रख लिया ना?
कितने सालों के बाद भैया से मिलने जा रहा हूं। माँ बाप के गुजरने के बाद भैया ने ही मेरी जिम्मेदारी संभाली। वो मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरे भगवान के समान है। हफ्ते भर तो हम दोनों भाई रहते थे, पर रविवार शाम को दोस्त बन जाते थे। मेरे और भैया की सुपर हिट फिल्म में विलन की एंट्री हो गई। लोग कहते हैं शादी के बाद लाइफ बदल जाती है, सही कहते हैं। मेरे भैया के शादी के बाद मेरी लाइफ भी बदल गई। एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया। हमारी दोस्ती में भी दरार पड़ गई। टेस्टी है, खाओ। मैं जानता हूं भैया की लाइफ में वो मेरी जगह नहीं ले सकती, लेकिन भैया का भाभी को इतना इंपॉर्टेंस देना मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए वहां से निकलकर मैंने चाचा के पास आने का फैसला किया। मुझे लगा कि जाने की बात पर शायद भैया मुझे रोक दें, लेकिन कब जाएगा? इतने दिनों बाद घर आ रहा हूं, मुझे पता है भैया कैसे स्वागत करेंगे। भैया छोटे जज्बाती हैं बेचारे। भैया इतनी देर क्यों हुई? चाचा ने बोला सुबह से निकले हो। कैसे हो ना? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। सीधा काम की बात, आते ही शुरू हो गए। फ्रेश तो हो लूं पहले। हाँ तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, खा लूं? अच्छा तुम थक गए होगे, आराम कर लो, बाद में बात करेंगे। नहीं, जिसके लिए बुलाया वो बात बता दो, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। तुम्हारी भाभी का ट्रांसफर हो गया है। क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी भाभी का ट्रांसफर हो गया है। इतनी अच्छी खबर इतनी देर से बता रहे हो? हमारे जश्न मनाने के दिन एक बार फिर वापस आएंगे। फ्राइडे पिक्चर, सैटरडे दारू, ऐश करेंगे। अभी चाचा को बता दो। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। बोलो भैया, आज तुम जो कहोगे सुनूंगा। तू और तेरी भाभी। मैं और भाभी? तू? मैं? तुम दोनों जा रहे हो। क्या हुआ मुन्ना? इसीलिए बुलाया था मुझे, भाई है या दुश्मन? वो बात नहीं है मुन्ना, दमन में तुम्हारा दोस्त दर्शन रहता ना, तो भाभी को दिक्कत नहीं होगी। चाहे धरती फटे या आसमान गिरे, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत बोल, दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग है, वो खत्म होती है, मैं आ जाऊंगा। ना नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मैंने बचपन से तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, बड़े भाई के नाते पहली बार कुछ मांग रहा हूं। तेरी भाभी के साथ चला जाना। इमोशनल अत्याचार करना कब सीख लिया? सेंटी मार रहे हो और भाई का फायदा उठा रहे हो, अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और कोई रास्ता है? वहां भी चला जाऊंगा। जज्बाती है बेचारा। आइए भाभी।
हाय मुन्ना भाई। हाय। हाय मुन्ना। हाय मुन्ना। हे मुन्ना, कितने दिन बाद मिले हैं। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ। चल चल जल्दी निकल। हाँ, आराम से। डेढ़ फुटे को भी लेके आ गए। आपको मेरा नाम याद है? वो छोड़, चेहरे पर निशान कैसा है? अरे मुन्ना, मार खा के आया ये। बाप? नहीं। भाई? नहीं। बॉयफ्रेंड? नहीं। इसकी गर्लफ्रेंड, वो साथ में ही थी जब इसने दूसरी लड़की पे लाइन मारना शुरू किया, तो इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे पीट दिया और ये रोता हुआ आ गया। मुन्ना भाई, आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? गर्लफ्रेंड? हाँ। वो भी इसकी? हाँ। ये हीरो कभी खुद नहीं प्रपोज करेगा, जब लड़की सामने से प्रपोज करे तो ये सोच सकता है, और ऐसा कभी होगा नहीं। देख भाई, एक बात तो जान ले, एक लड़की का प्यार पानी की टंकी की तरह होता है, नल खोलो और सीधा पानी चालू। लड़की का प्यार धरती के अंदर बसे पानी जैसा है, जो पानी के लिए एक बार नहीं बहुत बार बोरिंग मारनी पड़ती है। ऐसा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। बहुत काम है। चलो ए, वो बाइक उतारना। जल्दी उतार। बचपन में एक बार देखा था इसे, बिल्कुल नहीं बदला है, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आइए। अरे भैया, लाइन में खड़ा होने दो, हमें पीछे हटो। अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? अरे ये कब से नंबर आएगा? कुछ काम नहीं हो रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम मैडम। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक मैडम। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ ज्योति, कैसी हो तुम? जरा एक मिनट मुन्ना। पानी डाल दो। हाँ बोलिए। मुन्ना कैसा है? काम पे बिल्कुल टाइम पे आना होगा। हाँ। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो हर महीने 200 रुपए का अप्रेजल मिलेगा। कितना? 200 रुपए। ये कौन है? ये नौकरानी है, यहाँ ना। जी। पौधों को पानी डालेगी, घर का काम करेगी, बाजार से सामान लाएगी, सब कुछ कर देगी। तुम बोलो ना। हाँ, हम बस दो ही लोग हैं, तो नौकरानी की क्या जरूरत है? इसे भेज दो। इसने ना कहा क्योंकि एक घर में दो नौकर नहीं रह सकते। ये दूसरी कौन है? उससे तुझे क्या? मुन्ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं, छत पर सुखाने डाल दो। 200 की बख्शिश मुझे दे रहा था, अब खुद ही रख ले। मुन्ना तेरी तो लगी पड़ी है। कपड़े तो नए जैसे चमक रहे हैं। हाँ। कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? XXX।
एकदम संस्कारी साबुन है। मैं भी तो वही इस्तेमाल करती हूँ। कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। चाची, हाय मेरे मुन्ना, क्या हुआ? मुझ पर तो आतंकवादियों की तरह अत्याचार कर रही है वो। क्या किया उसने? ये पूछिए क्या नहीं कर रही है, सारे काम करवा रही है घर के। मेरी हालत तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह हो गई है चाची। वो तुझसे घर के सारे काम करवा रही है? मैं इस घर की वॉशिंग मशीन, डिश क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर सब कुछ बन गया हूँ चाची। इन कामों के लिए नौकरानी मर गई है क्या? और क्या? सुन, तू बस अभी के अभी वापस आ जा। ठीक है, फोन रख रहा हूँ। बाय। गुड बाय। हेलो। हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तू क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना। हाँ हाँ, वहाँ पर ना। हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। Excuse me? You... Excuse me? Me? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझसे शादी करोगे? सुनो यार, मेरा हैंडसम है लड़की जो पटाली। यार मेरा हैंडसम है लड़की जो पटाली। पहली मुलाकात में ही बात अपनी बना ली। पहली मुलाकात में ही बात अपनी बना ली। सोचना क्या यार, अब तो शहनाई बजेगी, ढोल तशे कमर सबकी हिलेगी। सोचना क्या यार, अब तो शहनाई बजेगी, ढोल तशे कमर सबकी हिलेगी। कमर सबकी हिलेगी, कमर सबकी हिलेगी, कमर सबकी हिलेगी। ये जरूर ऑपोजिशन की कोई चाल है। अगर ये तुम में से किसी का कांड हुआ ना, तो एक एक को बजा दूंगा। मुन्ना, जब भूखों को खाने का पैकेट मिलता है ना, तो वो किसी से बांटते नहीं है। और तू तो लकी है कि तुझे उसने खुद प्रपोज किया। अबे मैं कोई ऋतिक रोशन हूँ जो यहाँ आते ही लड़कियाँ खुद आकर मुझे प्रपोज करने लगेंगी? हाँ, कुछ लड़कियों का ना टेस्ट खराब होता है, इसलिए उसने तुझे आके प्रपोज किया। हाँ, मुन्ना भाई शांत हो जाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। क्या हुआ मुन्ना, तू अभी तक आया नहीं? चाची मैं आ ही रहा था, रास्ते में बुखार आ गया तो मैंने यू टर्न ले लिया। क्या कह रहे हैं तू, डॉक्टर के पास गया कि नहीं? दवाई शवाई ली? हाँ अभी एक डोज लिया। अच्छे डॉक्टर से ही दवाई लेना। एकदम A1 दवाई है चाची, मुझे लगता है मेरा बुखार सुबह तक उतर जाएगा। दवाई समय पर लेना। ठीक है चाची। ध्यान रखना अपना। हाँ मिलते हैं। यार कौन है वो लड़की? लड़की का नशा इस पे चढ़ गया, ये तड़पता रहेगा। शादी कर लो, इससे छुट्टी मिल जाएगी। अब तुम मुझे नया टेंशन मत दो, पहले से एक शादी से घर में बवाल हो गया। मेरी शादी हो गई ना तो मेरी शादी, बस स्टॉप। आने दो, फिर पूछता हूँ कौन हो, क्या करती हो, कहाँ से हो, मेरे बारे में क्या जानती हो जो मुझसे शादी करोगी। कांपने लगेगी। हे, हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है? फ्राइडे को कॉलेज में छुट्टी है, उस दिन कर लेना। अरे रुक ना, आ रही हूँ। अरे बस रुक जाएगी। सुबह सुबह पी के आई हो क्या? चलो। अच्छा अपना नंबर दो, शाम को कॉल करती हूँ। जल्दी चलो। 9885027684। ओके ओके बाय। सुनो मेरे कॉल का इंतजार करना। हाँ कब करोगी? टावर के नीचे बैठने से कभी सिग्नल नहीं मिलता। मुन्ना
कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इस टावर की तरह टंग जाए उसके प्यार में। ए मोटे, मेरा सिग्नल मत काट, हट जा। ए चश्मेश, मुन्ना बोल रहा है तो हटना, दिखता नहीं अपना मजनू सिग्नल के लिए तड़प रहा है। आओ सिग्नल महाराज, इस नए प्रेमी का भला कर जाओ। ऐसी बात मत करो मेरी जान, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मैंने फोन बंद नहीं किया था, अपने आप हो गया था। नया फोन लेती सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। नीलू, नीलू, क्या हुआ मैडम? एक्चुअली पूजा के लिए फूल लेने थे, मैं तो भूल ही गई। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ले आता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वैसे भी ये काम ऑफिस का नहीं है, तुम जाओ। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, मैं ले आता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेरा देवर है ना, मुन्ना ले आएगा। ओके मैडम, ये लीजिए फाइल्स। हेलो पल्लवी। पल्लवी कौन? तुम जिसके फोन का इंतजार कर रहे हो वो पल्लवी। अच्छा, मुझमें ऐसा क्या देखा जो देखते ही प्रपोज कर दिया? पहली बार जब तुम्हें देखा तो प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। वो तो सिर्फ लड़कों को होता है। हे, सिर्फ तुम लड़कों को हो सकता है, हम लड़कियों को क्यों नहीं हो सकता? जितना सोचता हूँ उससे दो कदम आगे ही निकलती है। अच्छा तुम रहती कहाँ हो? यंग वुमेन्स हॉस्टल रूम नंबर 114 मरीन लाइंस पोस्ट ऑफिस के पीछे। विश्वास कैसे करूं? विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा? अभी तुम्हारे हॉस्टल आता हूँ, मिलो। क्या कहा अभी? 7 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है, मैं नहीं आ सकती। झूठों के पास बहाना तैयार होता है। झूठ नहीं कह रही, सच में। 10 मिनट में तुम्हारे हॉस्टल पहुँच रहा हूँ, सी यू। अरे अरे, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती, सुनो तो। हेलो, अकड़ू कहीं का। ये तो सच में आ गई। मैं सच कह रही थी ना, अब तो विश्वास करते हो? तो और क्या करना पड़ेगा? सुपर वुमन की तरह जंप मार के वापस जाओ। मैं इतनी सज धज के आई हूँ और तुम मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हो? चलो चल हट, मैं इस शहर को जानता भी नहीं। अरे तो मैं हूँ ना, चलो। नहीं यार, नहीं हो। कहाँ गई? जल्दी चलो। अरे चलो ना, वरना हमारी वार्डन आ जाएगी। बस बस यही रोक दो, आओ बैठो ना। ये सब सच है ना? ऐसा ना हो कि अचानक नींद खुल जाए और ये एक सपना निकले। मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ। अच्छा, पास आने कहूंगा तो आओगी? और पास आने कहूं तो? अगर मैं किस करूंगा तो चलेगा क्या? पक्का करूंगा? पक्का ना? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा या मैं ऐसा कुछ करूंगा, तो घबराहट में अच्छे से किस नहीं कर पाया। अगर एक और चांस मिले तो मैं अच्छे से प्रॉपरली। इतना मत सोचो, किस कर लो। मेरा बेटा शिवा, जब वो 12 साल का था, क्रिकेट के मैच में हार जाने की वजह से उसने अपने दोस्त को बैट से पीट कर मार डाला। उसके बाद उसे चिल्ड्रंस होम में भेज दिया गया।
छह साल की सजा काटने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो आज भी वैसे ही कपड़े पहनता है। घर में इतनी गाड़ियां हैं, फिर भी मिनी बस में ट्रेवल करता है। समझ नहीं आता वो क्या सोचता है, वो क्या बन गया है, आखिर वो चाहता क्या है। उसकी माँ होने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रही कि उसके दिल में आखिर क्या है। जीतने के लिए वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। अगर जीत के लिए उसके अंदर ऐसी ही तड़प रही तो आप ही बताइए वो एक सुखी जीवन कैसे जी पाएगा गुरुजी। मैं डरती हूँ उसका यह जुनून उसे बर्बाद न कर दे। आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। जब हमारी इच्छाएं स्वार्थ से परे हो जाती हैं तो ब्रह्मांड सारी शक्तियां मिलकर उसे पूरा करती हैं। एक माँ होने के नाते तुम्हारी कामना भी निस्वार्थ और ये जरूर पूरी होगी। तुम्हें बस थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। पता है मुझे, पता है तुम कौन हो और यह भी पता है कि यहां क्यों आए हो। शिव शक्ति ट्रेवल्स का मालिक, 1000 बसें, एक भी बस का लाइसेंस नहीं है, कई बसों का नंबर भी सेम है, रोड टैक्स भी पे नहीं करते हो, बस में भारी सामान लेकर जाते हो, जब भी तुम्हारा मन करता है टिकट की कीमत बढ़ा देते हो, अगर किसी अफसर ने परेशान किया तो रिश्वत देकर उसे खरीद लेते हो, नहीं बिका तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो पूरी रिसर्च हो चुकी है मेरे बारे में, मेरी बायोग्राफी लिख सकते हो तुम, क्यों है ना? तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? 3 महीने पहले 40 लोग मारे गए थे जब तुम्हारी बस में आग लगी थी, डीजल टैंक में लीकेज, ब्रेक भी फेल, इमरजेंसी एग्जिट तो खुला ही नहीं। उनके मौत के जिम्मेदार तुम थे क्योंकि तुम्हारी बस रोड के लायक फिट नहीं थी। उस दुर्घटना का मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम वही लेने आए हो ना? अरे नहीं नहीं अंकल, बिजनेस करने। आप बड़े हैं, मुझ जैसे छोटे बच्चे की छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। कैसे माफ कर दूं? उस बस में मरने वालों की संख्या सिर्फ 40 ही नहीं है, उन 40 से जुड़े उनके परिवार वाले आज भी उनकी याद में मर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक बेटी थी जो कि इंटरव्यू के लिए गई थी, जॉब पाने की खुशी में हंसती खेलती घर लौट रही थी, लेकिन कभी सोचा है कैसा लगता होगा लाशों की भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढना? सैड, वेरी सैड अंकल की ये सारी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया है। अंकल को तकलीफ मत देना, ये जो भी मांगी इन्हें दे देना और सारे सबूत ले लेना। ठीक है भाई। सुनो, जंग में मैंने अपना एक पैर खोने के बाद दुश्मनों से डटकर मुकाबला किया था, आज भी लड़ूंगा, जब तक तुम्हें हराना दूं तब तक लड़ूंगा। मुझे हराने की बात करके मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना अंकल। क्यों खामखा मुझे मजबूर कर रहे हैं? मेरा ईगो कभी हारा नहीं है, इसे जीतने की आदत है। ए, मैं मरा तो जीत मेरी होगी? नहीं भाई। और ये अंकल मरा तो जीत आपकी। (laughs)
सारे सबूतों को जला देना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। बेटा, छोटी के वार्डन ने इसके बारे में बहुत कंप्लेंट की है। मैंने सोचा वहां रही तो बिगड़ जाएगी, इसलिए यहाँ ले आया। वो भी कौन सी दूध की धुली है। अच्छा, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ सबकी कंप्लेन करना जानती है और कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर ये तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं भी सुकून से रह पाऊंगा। वैसे भी इसका ये कॉलेज का आखिरी साल है, उसके बाद एक अच्छे से लड़के से इसकी शादी करवा दूं, फिर मेरी जिम्मेदारियां खत्म। आप चीनी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसका ख्याल मैं रखूंगी। मुझे बस यही सुनना था। सुन ज्योति, तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चों के बारे में नहीं सोचा? तुम हर बात पे मुस्कुरा देती हो, बिल्कुल भी नहीं बदली थी। क्यों मुन्ना, कोई जॉब ढूंढा या ऐसे ही भटक रहे हो? ऐसे ही क्यों भटकूंगा सर, गर्लफ्रेंड के साथ भटकता हूँ, बहुत बिजी हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? शारदा, बहुत अच्छा जोक है, सुनोगी तो पूरे रास्ते हंसोगी। मुन्ना, आज से मेरी बहन चीनी हमारे साथ यहीं रहेगी। इसका मतलब अब उस महारानी के लिए मुझे 2 प्याज 4 टमाटर ज्यादा काटने पड़ेंगे। ठीक है, ये ऐसी है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। मैं किसी और को क्यों देखूं? अब कैसे छेड़ूं इसे? अब प्याज काटने का सबसे आसान तरीका, ना आपको अपना हेलमेट पहनना होगा ना ही अपने गॉगल्स। प्याज काटने का ये सबसे आसान तरीका है, और तो और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। तो अभी अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए अपना वेजिटेबल कटर। हमें कॉल कीजिए। बोलो क्या कर रहे हो? 5 9 1 8 4 5 9। अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। हाँ बोलो। तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो। हाँ, यही थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था। अच्छा, उस दिन की तरह आज रात फिर से घूमने चले। हेलो 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 हेलो, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो वार्डन आई थी, मैं तो पकड़ी ही जाती। पकड़ी तो नहीं गई ना, हॉस्टल आ रहा हूँ तुम्हारे, दीवार कूद जाओ। वार्डन चेकिंग के लिए निकली है, मैं बाहर नहीं आ सकती। हेलो, हेलो, क्या हुआ? यहाँ मेरे सर पे भी एक वार्डन बैठी है। दीदी आ गई थी क्या? दीदी सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारी भाभी। ओ हाँ। हमारी वार्डन फिर से राउंड पर निकली है, कल बात करते हैं। भाई ठीक है, यहाँ भी झांसी की रानी घूम रही है। बाय बाय। किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। वो नई चप्पल आपकी है, मैडम ने आपके लिए खरीदी है। नौकरों को तो त्योहारों पर कपड़े दिए जाते हैं, आजकल चप्पल देते हैं क्या? पर आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। मुन्ना 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 मेरी बहन को रोज कॉलेज ड्रॉप कर देना और शाम को ले भी आना। अब नौकर से ड्राइवर भी बना दिया। दिल लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे कॉलेज से मुझे एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। जाओ। Ah!
छोटी मालकिन उतरिए, उधर जाइए। पहले हुआ तो मैंने सोचा गलती से टच हो गया होगा, लेकिन बार बार मुझे छूने की कोशिश कर रही हैं आप। मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसा करेंगी तो बाइक कैसे चलाऊंगा? हैंडल पर बैठ जाऊं क्या? देखो प्लीज रोना मत। सॉरी, मुझ जैसे लड़के को देखकर फिसल गई होगी, लेकिन मेरी ये गर्लफ्रेंड है यार। मैंने फेसबुक पर स्टेटस भी चेंज किया, जाकर देख लो। मुझसे दूर रहो प्लीज। पल्लवी को धोखा नहीं दे सकता। आओ बैठो। दोनों के बीच में आधे फुट की जगह होनी चाहिए, तभी कॉलेज पहुंचेंगे। मेरी तरफ नहीं, दूसरी तरफ चली जाओ। बीच में अपना बैग रख दो। ये तो पल्लवी का ही कॉलेज है। हेलो, कहाँ हो तुम? इस वक्त कहाँ हो सकती हूँ? कॉलेज में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज के बाहर। तुम कॉलेज क्यों आए हो? मैं नहीं बताऊंगा। ए, बताओ। तुम्हारे लिए आया हूँ। अच्छा, जरा कॉलेज कैंटीन में मिलो, तब क्लास लूंगी तुम्हारी। ओके। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? जो चिपकी हुई थी। अच्छा, देख लिया? बहुत खूबसूरत है। सच में खूबसूरत है? तुमने नहीं देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा, तुम्हारी कसम। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो। क्या लगती है वो तुम्हारी? भाभी की बहन है। भाभी की बहन? और रहती कहाँ है? मेरे ही घर पे। भाभी की बहन है, एक ही घर में रहती है, और तुम कहते हो कि देखा नहीं। क्या यार, तुम भी मुझ पे यकीन नहीं है क्या? मैं नहीं मान सकती। तो फिर खुद आकर चेक कर लो। मैंने उस बारे में बात की है, वो जमीन खरीदने को तैयार है। अगर तुम और तुम्हारे चाचा हाँ कहते हैं तो मैं उन्हें हाँ कर दूंगा। आप तो सब जानते ही हैं, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। ठीक है बेटी, मैं वहाँ आकर पेपर साइन करवा लूंगा। ठीक है अंकल, रखती हूँ। हाँ, एक वेजिटेबल कटर बिल्कुल टाइम पे डिलीवर करना, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। तुम हॉस्टल नहीं गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पीछे यहाँ तक चली आई? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? यहाँ आओ जल्दी। मेरी भाभी और उसकी बहन यही है। वही तो पता लगाने में यहाँ आई हूँ। मुझ पे यकीन क्यों नहीं करती? अगर उसने देख लिया तो भाभी को बता देगी, और मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर उसे बहुत दुख पहुँचेगा। अच्छा, तुम्हें तो उसकी फीलिंग्स की बड़ी चिंता हो रही है। तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? चलो बुलाओ उसे। ओ भाभी की बहन, बाहर आ। पागल हो क्या? वो बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो ये बात है तुम्हारी इजाजत के बिना? हम कॉलेज में भी कर सकते हैं प्लीज। देखो, वेजिटेबल कटर ऑनलाइन लेना है, कैसे? क्या चल रहा है? अब वो दीदी मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। तुम? अब वो दीदी ये मुझसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। दीदी? तुम बहन हो? तुम ही हो? चीनी? इतना बड़ा गेम? मतलब इतने दिनों से जानबूझकर बेवकूफ बना रही हो? मैंने तो कितने सारे हिंट दिए थे, तुम्हें ही समझ में नहीं आया। मेरी दीदी की शादी में मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम तो अपनी धोती भी नहीं संभाल पा रहे थे। बस वही भोलापन देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। कैसी धोती है ये? मैं तब से ही तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, और हर साल छुट्टियों में मैं तुमसे तुम्हारे घर मिलने आया करती थी, लेकिन तुमने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया। मतलब मैंने 4 साल वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी भी 4 महीने हैं। तो कवर कर ले। टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, टाइम बहुत कम है। अभी बैग बीच में रखना है? बिल्कुल नहीं। इस बस को रोकिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस साइड में लगाओ। अरे तूने बस क्यों रोकी? आरटीओ चेकिंग है। अरे दीदी, तो क्या हुआ? मैं उनसे डरता हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं उन्हें देखकर कांपने लगूंगा? आरटीओ चेकिंग है, सभी नीचे उतर जाइए। जल्दी चलो। अच्छा, ये सामान भी उठा लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाइक खराब हो गई थी तो बस से, आप ही बताइए ना। हाँ दीदी, इसकी बेकार बाइक खराब हो गई, आप मुझे गाड़ी में छोड़ देंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऑटो में चली जाओ। सुना ना दीदी ने क्या कहा? हाँ सुन लिया। मैडम, बिना पेपर्स देखे आपने सबको क्यों उतार दिया?
बस का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या? बस नंबर बताओ। 2844। अगर ये 2844 है तो फिर वो क्या है? श्रीनिवास। यस मैडम। ये सारे पेपर्स इन्हें दे दो और दोनों बस को सीज कर लो। ओके मैडम। मैडम बस किसकी है पता है? शिवा भाई की, शिव शक्ति ट्रेवल्स। शिव शक्ति ट्रेवल्स की सारी बसें चेक करो। मैडम एक बार में बात समझ नहीं आती। नहीं नहीं हो इसीलिए घमंड है, तुम शिवा भाई को जानती नहीं हो। रोड पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। क्या नाम बताया? शिवा भाई। सुन लिया ना? जी। उसके नाम पर नोटिस जारी करो। ओके मैडम। वो जो नई लेडी आरटीओ आई है वो हमारी बसें सीज कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक भी बस हमारे पास नहीं बचेगी। उसे दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हैं। वकील साहब आप कमिश्नर से बात कीजिए। ठीक है शिवा। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना यहाँ जो बसें चल रही हैं तुमने रोकने पे तुली हो। ए, मिर्ची किधर है? अभी लाया सर। सर 3 महीने पहले हाईवे पर बस में आग लगने से 40 लोग मारे गए थे। मैंने उस ट्रैवल्स की हिस्ट्री चेक की और रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं है तो क्या? शिवा की बसेस ऐसी ही हैं। वो आदमी पागल है, वो कब क्या सोचता है कोई नहीं जानता। हमें ही एडजस्ट करना होगा। नो सर, ये आम जनता की जिंदगी का सवाल है। तुम औरतों की यही दिक्कत होती है, कभी मर्दों की कोई बात मानी है? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तुम्हारी ड्यूटी क्या है मैं जानता हूँ। एक सरकारी नौकर का यही काम होता है कि अपने सीनियर्स की बात माने। सर आप मेरी बात। तू अपनी बकवास बंद कर। अब मेरी बात सुन, शिवा की बसेस कल सुबह से रोड पर होंगी। चलो अब जाओ यहाँ से। चाय किधर है? लाया सर। क्या करना है हमें? सबसे पहले सीज की गई बसेस को गोडाउन में भेज दो। सेम नंबर वाली बसेस की फोटोज लेकर पेपर्स को अटैच करो। केस फाइल कर दो। ओके मैडम। इस बारे में कोई भी कुछ पूछे तो उसकी बात मुझसे करवाओ। ठीक है मैडम। ईश, भाभी इधर ही है। ये लाइट को क्या हुआ? क्या कर रही हो? भाभी आ जाएगी। आने दो ना। अच्छा ये बात है। तुम्हारी दीदी आ गई। भाभी वो इसने मुझे अंधेरे में गलती से पिलर समझ लिया है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, मैंने उसे गांव भेज दिया है। इस लव शक पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा
कि तुम इस वक्त अपने करियर पर फोकस करो, समझे? अच्छा अब तुम ऐसा करो कि ज्योति अंकल कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी जाग गए बेटा। तुझे इस तरह से इतने डिसिप्लिन में देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तेरी भाभी के अलावा दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता है तुझे। ये ले, तेरी चाची ने तेरे लिए भेजा है। आगे बैठिए ना अंकल। ये पुलिस क्यों आई है? लगता है उस ऑफिसर ने कमिश्नर की बात नहीं मानी, केस फाइल कर दिया है। वारंट इश्यू हो चुका है। पुलिस को मैं संभालता हूँ, उस ऑफिसर को आप संभालिए। हमने पूरी कोशिश की पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। ये लेडीज सेंसिटिव होती हैं, प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। यही तो बात है भाई, ये औरतें अपने पति की नहीं सुनती तो हमारी क्या सुनेंगी। मैं संभालता हूँ। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। अंकल कल चले जाइएगा, आज रुक जाइए। नहीं बेटी, ये पेपर्स हैंड ओवर करने हैं ना, चलता हूँ। मुन्ना मुझे स्टेशन तक छोड़ दो बेटा, ध्यान रखना बेटी। जी अंकल। क्या सोच रहे हो मुन्ना? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। कम इन। शिवा, शिव शक्ति ट्रेवल्स। बैठिए। धन्यवाद। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? आप जो भी मंगवा दें। रमन ध्यान रखना बेटा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम कैसे आ सकते हो? भाभी अकेली पड़ जाएगी। अगर अकेली पड़ती है तो पड़ जाए, उससे मुझे क्या। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? वो एक चुड़ैल है चाचा, शादी होते ही भैया को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ लाकर नौकर बनाकर रख दिया है, और अब पल्लवी को भी मुझसे दूर गाँव भेज दिया है। वो बहुत बुरी है चाचा, अगर मैं यहां रहा ना तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं नहीं रह सकता यहां, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरी बसेस छुड़वाने के लिए? टैक्स पे कीजिए और रूल्स फॉलो कीजिए तो हम बसेस छोड़ देंगे। मैं रूल्स कभी फॉलो नहीं करता, मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, आज पहली बार आपसे कर रहा हूँ। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं बस नहीं छोड़ूंगी। देखिए मैडम, आप बेकार में ही मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रही हैं और आप बेकार में ही मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर शिवा के नाम से कांपता है। अगर मैं एक आरटीओ ऑफिसर से हार गया तो अच्छा लगेगा क्या? आप जानते हैं ये पूरा डिपार्टमेंट ज्योति की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो अच्छा लगेगा क्या? अगर कभी किसी को न समझ सको तो चलेगा बेटा, पर किसी को गलत मत समझो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक साथ पले बड़े हैं। तुम्हारी भाभी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों के बीच कोई आएगा तो तुम ऐसा ही बर्ताव करोगे। शादी के बाद तुम्हें इसलिए दूर नहीं भेजा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। यहां पर तुमसे काम करवा कर वो तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती थी, बस ये चाहती थी कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो। पल्लवी को तुमसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए यहाँ से नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम दोनों एक हो सको। तुम्हें पता है उसने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? वो अपने पापा की दी हुई जमीन कम दाम में बेचना चाहती है ताकि तुम सेटल हो सको और मैं पल्लवी के पापा से उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग सकूं। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं बेटा, अगर घर में एक सदस्य भी बढ़ जाए तो खर्चा बढ़ जाता है। और जब मैंने उससे पूछा कि इतने सालों बाद भी बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे, तो उसने कहा मुन्ना भी तो हमारा ही बच्चा है, पहले उसे सेटल होने दो।
वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, तुम्हें एक नई जिंदगी दे रही है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, टूट गए तो इन्हें जोड़ने में गांठ पड़ जाती है, इसलिए अपनी सोच को बदलो। मैडम मुझे परेशान मत करो, जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अच्छा, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा? बचपन से लेकर आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ, ये बात आप शायद जानते नहीं है। ए, मैं मरा तो जीत मेरी होगी क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा, गोली चलाओगे तो मरोगे, जीतोगे कैसे? करेक्ट। मुन्ना तुम यहाँ? वो चाचा ने मुझे वो... मुन्ना और अगर तुम मरी तो क्या मैं जीतूंगा? क्या कहा तूने? मैंने कहा ये घटिया औरत मरेगी तो मैं जीतूंगा। हिम्मत की है ना? वो भाभी मां है मेरी, मैडम। मैडम नमस्ते। उस हादसे के बाद मुझे आपकी बहुत फिक्र है मैडम। वो तो अच्छा हुआ मुन्ना टाइम पर आ गया, नहीं तो उन बसेस के लिए वो खून खराबे पे उतर आया था। मैं उस शिवा को अच्छे से जानता हूं, वो हार नहीं मानेगा। आप मुन्ना को समझाइएगा मैडम कि वो संभल कर रहे, वो बहुत खतरनाक है। एक दो टके की छोकरी शिवा के काम में आके टांग अड़ाएगी। तुम सब क्या कर रहे थे, झग मार रहे थे? जाओ उसे उठा कर लाओ, चलो रे। मुन्ना वहां जो कुछ भी हुआ वो प्रोफेशनल इशू था, तुम्हारा इन पर यूं हाथ उठाना गलत था। चलो सॉरी कहो। सर हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है, उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर
अगर कोई मुसीबत आ जाए, ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। आपने भाभी को मारने की धमकी दी, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। I'm sorry। वहां दुनिया के सामने हमें मारा, अब सबसे छुप के सॉरी कह रहा है, तो इसे छोड़ दें। ए सुबो, उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं। उसे ऐसे क्यों जाने दिया भाई, ठोक देते। पूरे शहर को यह पता भी तो चलना चाहिए कि शिवा भाई पे हाथ उठाने का मतलब क्या है। पूरे शहर को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे। क्या हुआ? एक मिनट, लगता है चाबियां अंदर ही रह गईं। मैं जाकर लेकर आता हूं। वो मर जाएगा तो मैं हार गया। बस एक बंदूक क्या तान दी, उसने सीधा शिवा के ऊपर हाथ उठाया। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है, उस औरत को मरना होगा, तब मेरी जीत होगी। सर, एक मिनट। बात करनी थी। अभी जो एक्शन हुआ उस पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं कि ये मुझे जिंदा छोड़ना चाहते हैं। इसे देखिए कैसे घूर रहा है। मैं तभी समझ गया कि आपका प्लान कुछ और ही है। आप अभी छोड़ देंगे फिर बाद में मार देंगे। बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन मरोगे तुम नहीं, तुम्हारी भाभी। हाथ मैंने उठाया फिर उन्हें क्यों? तेरी गलती की सजा उसकी मौत है, और उसके बाद तू जितना तड़पेगा उसी में मेरी असली जीत होगी। मैंने आपसे कहा ना, हम मिडिल क्लास लोग परिवार के नाम पे थोड़ा सेंटी हो जाते हैं। ये बात एकदम सच है, लेकिन इस बात का एक और एंगल है। प्रॉब्लम आने के बाद उससे लड़ने से अच्छा है उसके आने से पहले ही तैयारी कर लो। प्याज के दाम 2 रुपए भी कम हो जाए तो हम 4 किलो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं। 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने की खबर पे आधा आधा किलोमीटर लाइन लगाकर रात को 12 से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। जहां हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतना ख्याल रखते हैं, तो सोचो जब बात हमारे परिवार की हो तो हम कितना ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है आप अपने प्लान्स को पूरा करके ही मानोगे। मैं भी आप ही के जैसा हूं, कोशिश करता रहे, मैं बचाता रहूंगा। बचाता रहेगा? कितने दिनों तक बचाएगा? पॉइंट है, तो चल एक टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, आज से तुझे मैं 20 दिन देता हूं। तुझे इतने दिन लग जाएंगे? चल 10 दिन। डील। डील। तो अगले 10 दिनों के अंदर अगर तेरी भाभी मरी तो मैं जीता, और अगर वो जिंदा रही तो तू, हमेशा के लिए तुझे भूल जाऊंगा। जान लोगे क्या? मेरी जान लोगे? इस महीने की 20 तारीख बहुत शुभ है, चलेगी ना? शुभ है मतलब किसके लिए? हमारी शादी के लिए। ए, घर से चली गई तो लगा पीछा छूट गया है। मैंने पापा को हमारे बारे में बता दिया, वो यहाँ दीदी से बात करने आए हैं। चलो। अगर किसी को आंगन में पेड़ लगाना हो, वो केले का पेड़ लगाता है, कोई बरगद का पेड़ नहीं लगाता। अगर लोग फल देने वाले पेड़ के बारे में सोचते हैं, तो मैं एक काम करने वाले दामाद की उम्मीद भी नहीं रख सकता क्या? सारे बाप एक ही जैसे होते हैं, झूठे। तुम चिंता मत करो,
चाहे मेरे पापा मना करे या दीदी मना करे या तुम मना करो, शादी तो तुमसे ही होगी। अगले साल मेरा बीटेक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जॉब कर लूंगी और ये घर संभाल लेगा। सिंपल। देखा कैसी बातें कर रही है, इसकी गोल गोल बातें सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। इसे आजादी देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। पहले आजादी दी और जब आजाद हो गई तो तकलीफ हो रही है। जिसका गुस्सा इतना तेज हो उसे अपनी बेटी कैसे दूं? इसने उस गुंडे शिवा से फाइट की। हाँ, तुमने फाइट की? पापा, मेरी किस्मत तो चमक गई, मुझे तो कुक के साथ में बॉडीगार्ड भी मिल गया। मेरी तो लाइफ सेट है। वो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, आप मुन्ना को गलत समझ रहे हैं। लड़ाई जंगल की आग की तरह होती है, सब कुछ जला कर राख कर देने तक खत्म नहीं होती। आप मेरी बात समझ नहीं। मुझे मत समझाओ। तुम पे भरोसा करके मैंने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ा था और तुमने उसे एक गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंप दिया। कैसी बहन हो, अपनी छोटी बहन को भी नहीं संभाल पाई। बस बहुत हुआ, भाभी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ना आपकी जरूरत है ना आपकी बेटी की, जाइए यहाँ से। मुन्ना प्लीज। क्या कहा था, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसके बात करने का तरीका तो देखो। इसका बस चले तो जान ही ले ले। तुम अब चलोगी या हमारी नाक कटवाओगी? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। इधर गैस की बात आ रही है। हाँ भाई, जानता था तुम लोग जरूर आओगे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहा था। गैस पूरा लीक हो चुका है। मेरा जो हो जाए मुझे परवाह नहीं। तुम लोगों के पास सोचने के लिए 10 सेकंड का वक्त है। 1, 2। धमकी देना बच्चों का खेल नहीं। सिलेंडर फटा तो सिर्फ हम नहीं, तुम और तुम्हारी भाभी भी मरेंगे। भाभी को कुछ नहीं होगा रे, सब प्लान कर लिया है मैंने। और जहां तक मेरी बात है, मैंने हमेशा भैया के पैसे खर्च किए, भाभी के हाथों का खाना खाया है, उनके लिए कुछ नहीं किया। आज उनका वो कर्ज भी चुका दूंगा मैं, जान देकर। 5। ए, 3 और 4 कहां गए? नींद आ रही है ना, भूल गया। भाई ये बहुत टेढ़ा लगता है। एक बार जब ये सिलेंडर फटेगा तो यहाँ का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तब समझ में आएगा 3rd degree बर्न्स क्या होते हैं। चमड़ी गल जाएगी, खून धुआं हो जाएगा और ऐसा दर्द होगा जैसे एसिड से नहाया हो। मरना आसान होता है लेकिन तड़प तड़प कर मरना बहुत मुश्किल। 6। वैसे मैं बताना भूल गया, तुमने ये जो सोने के चेन और रिंग वगैरह पहने हैं ना, मरने के बाद तुम्हारी लाश की पहचान उसी से होगी, वरना रात के इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना कौन सोच सकता है। लावारिस लाश समझ के कहीं फूंक ना दे। 7। ये पागल हमें जिंदा जला देगा।
हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एट। भाई को क्या बताएंगे? जिंदा बचेंगे तो बताएंगे ना। भाई मैं जाके ऑटो स्टार्ट करता हूँ, ए चलना। नाइन। मुन्ना क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी भाभी, तो सेफ्टी के लिए लाइट बंद करके दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन अब सब ठीक है। भाई वो बहुत चालाक लड़का है, वो अपनी भाभी के लिए मरने मारने को भी तैयार है। उसे मारना आसान नहीं जब तक मुन्ना वहां है। एक बॉल पे रन ना लेने से मैच खत्म नहीं होता सुबह, सेंचुरी बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन विकेट के लिए एक ही बॉल काफी है। परफेक्ट टाइम पे बॉल फेंकना जब वो उसके आसपास भी ना हो। फिलहाल तो आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। कौन मैं? हाँ तुम। लेकिन जमीन बेचकर इस आदमी को पैसे दे। सर सर को पैसे देना मेरे लिए ये जॉब, इस आदमी का चेहरा रोज देखना। सर का चेहरा रोज देखना रिस्क लगता है, कंपनी बंद करके पैसे लेके भाग गए तो। नहीं भाभी हम अपने पैसे रख लेते हैं, आप अपनी नौकरी रख लीजिए। सर मजाक मत कीजिए, पैसों की हेरा फेरी वाली ये कोई चिटफंड कंपनी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। ट्रेनिंग के बाद जॉब नहीं मिली तो डिपॉजिट वापस, लेकिन अगर ये ऑफिस नहीं आया तो पैसा कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। 3 महीने की ट्रेनिंग, हफ्ते में 5 दिन। अरे मैं तो भूल ही गया भाभी, आज मंगलवार है, बहुत अशुभ दिन है। आज पूरे साल का सबसे शुभ दिन है। मैं राहु केतु की दशा देखकर अपने घर से निकलता हूँ मैडम। टुडे इज अ फैंटास्टिक डे टू स्टार्ट। ये आदमी ट्रेनिंग देता है या अपॉइंटमेंट? सर ट्रेनिंग देते हैं या अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं? साइन करो। लेकिन मेरी नौकरी के लिए आपकी इकलौती प्रॉपर्टी। तुम्हारे फ्यूचर के आगे मेरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन करो। ये रहा तुम्हारा डेस्क। ऑल द बेस्ट। बाय मैम। तुम यहां बैठोगे, यहां तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। कुछ और पूछना चाहते हो? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। नो चांस। काम करो। मुन्ना भाई आ गया। अरे तुम सब ठीक हो? हाँ। हमको क्या होगा? और अटैक कैसा? तूने कोई जॉब ज्वाइन किया है क्या? वो तो कल ही कर लिया था, उसे ज्वाइन किए हुए अभी 24 घंटे हो चुके हैं। भाभी की रक्षा का जॉब, इन 9 दिनों के लिए दिन रात आई एम ऑन ड्यूटी। खोंचू आया नहीं? नहीं आया सर। नहीं आया सर। हाँ ठीक है, कल ज्वाइन किया और आज गायब।
स्कूल छोड़े जमाना हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? क्वेश्चन पेपर नहीं है, डेली प्रोग्राम है। ये सीक्रेट मिशन क्यों? ये सब तो हम भाभी को बताकर भी कर सकते हैं। एक लड़ाई की थी तो मुझसे सॉरी बुलवाया था, अगर ये बात पता चल गई तो मुझे यहाँ से भेज देंगे। ओह, तब खतरा और बढ़ जाएगा। दीदी का ऑफिस यही है तो उनसे मिलाओ, जल्दी आना, हम सामने शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है। ओए, स्कूटी यहीं पार्क करते हैं। वो तो बस यहाँ पास में ही है। मैं अभी आई। उसके बाद हमें ब्रिज से आगे जाना है। मुन्ना कहाँ है? जाने के बाद राइट ले लो। ना मेरा फोन उठा रहा है, ना मैसेज कर रहा है। उससे कहो जल्दी से हॉस्टल आके मुझसे मिले। मैं क्यों कहूँ? तुमने खुद ही तो कह दिया। अरे, ये फॉर्मल शामिल क्यों? इसका मतलब तुमने पापा को इम्प्रेस करने के लिए जॉब ज्वाइन कर ली? ओफो, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा और सबके सामने डांट भी दिया। लेकिन मैं कैसे समझती, तुमने बताया ही नहीं। ओह अच्छा, तुम सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ये तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो ऑफिस के टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो ये फंस गया। एक्चुअली वो, अब तुम ही गेस करके बता दो ना। ऑफिस जल्दी खत्म हो गया होगा तो तुम यहाँ दीदी से मिलने आए होगे। करेक्ट। तो कल भी तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? हमारी लव एनिवर्सरी, जैसे दीदी और जीजा जी की होती है। मैंने कल तुम्हें पहली बार देखा था। बाय। हे, कांग्रेट्स यार, मैरिज एनिवर्सरी। हे, लगेज ठीक से रख दिया ना? मुझे ऐसे अचानक भैया के पास क्यों भेज रहे हो? बात यह है भाभी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप भैया को अचानक मिलेंगी तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। प्लीज भाभी जाइए ना, प्लीज। ऐसे टिकट मिलना आसान नहीं है और मैं लगेज भी नहीं लाई हूँ। लीव एप्लीकेशन दिए बिना छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? टिकट और लगेज ऑलरेडी आपकी सीट पर रख दिया है। और लीव लेटर ना, सुने पेपर दे, ये ले। आप मैटर की फिक्र छोड़िए, वो मैं भर दूंगा, आप बस साइन कीजिए, मैं ऑफिस में दे दूंगा, हो गया। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम? क्या भाभी, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ये पट्टा टांगता हूँ, ऑफिस जाता हूँ सिर्फ आपके लिए, और आप मेरे लिए एक लीव नहीं ले सकती? ला ये मुझे दो, मैं पकड़ती हूँ। मैंने सोचा इस खास दिन पर आपको खुशियाँ साथ मनानी चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग बोलो ना यार। भाभी जल्दी साइन करो, मुझे 1.5 फुट से 1 फुट का कर दिया, मेरी कमर टूट रही है। अरे बताओ ना। हाँ प्लीज भाभी साइन कर दीजिए ना, प्लीज भाभी। भाभी, भैया जब आपको देखेंगे तो उनकी शक्ल का एक फोटो लेके व्हाट्सएप कर देना। तुम अपना ख्याल रखना, राइस कुकर में बना लेना और दाल बाहर से खरीद लेना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप आराम से जाइए। बाय भाभी। भाभी बाय। बाय भाभी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाभी दिल्ली में, लीव लेटर पे कोई और जगह डाल दो। अरे अब तक किसी को भी नहीं पता चला तो इसके आगे भी किसी को खाक पता चलेगा। लेकिन 4 दिन में तो वापस आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? मैंने ऐसा जाल बिछा कर रखा है कि भाभी 8 दिनों से पहले यहाँ वापस नहीं आ पाएंगी। बातें बहुत हो गई, अब जरा उधर देख। भैया, ये कहाँ से आ गए? ए मुन्ना, वैसे अचानक? हाँ आता हूँ मैं। आप ऐसे बिना बताए आ गए? क्या बात है, तुम लोग यहाँ कैसे, कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? ये मुझे आपके पास भेजना चाहता था मैरिज एनिवर्सरी पर सरप्राइज देने के लिए। अरे वो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे देख लिया, नहीं तो अपनी एनिवर्सरी मैं यहाँ मनाता और तुम दिल्ली में मनाती। क्या टाइमिंग है आपकी, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते ना। क्या कहा? ऐसी बात क्यों कर रहे हो मुन्ना, तुम चाहते थे ना हम साथ सेलिब्रेट करें, तो लो अब हम साथ हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसा आप कहें भाभी। जैसा भाभी कहे। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो, दूध नहाओ पूतो फलो। मेरा दुनिया में तेरे और ज्योति के सिवा कोई नहीं है। तुम दोनों के बीच अनबन देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ। आप शादी करके भाभी को हमारी जिंदगी में ले आए, ना कहने के बावजूद यहाँ भेजा, पर मुझे भाभी को समझने का मौका मिला। थैंक्स भैया। अब जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। जाइए, चलिए चलिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ आओ, आओ। आखिर रुला ही दिया ना, ठीक से जाइए, अपना ख्याल रखिए। हाँ बोलो क्या हुआ? सुन, भाभी ऑफिस के लिए निकलने वाली है, तू जल्दी आ जा। ठीक है भाई। मुन्ना उस औरत को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा। कल उसका भाई और उसके रिश्तेदार उसके घर आए थे,
उनके घर पार्टी थी और वो नाच गा भी रहे थे। कौन सी पार्टी? वो कोई एनिवर्सरी पार्टी थी। एनिवर्सरी की पार्टी। पापा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी और फिर उम्र भर आप रोती रहोगी। ये दे दो। मुझे पता है कि तुम जिद्दी हो, लेकिन जरा धीरज रखो। सही समय आने पर मैं खुद पापा से बात कर लूंगी। अगर तुम दोनों एक हो गए तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी पल्लवी। मेरी प्यारी दीदी, थैंक यू। भाभी इस मार्केट में क्यों आई है? ये अच्छा नहीं है, यहाँ फल और सब्जियाँ ताजा नहीं मिलती। अपने घर के बाजू में जो दुकान है ना वहाँ अच्छा मिलता है। ये ले रख। दीदी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने, आगे मेरे बहुत काम आएगी। अच्छा तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कौन सी ट्रेनिंग? अच्छा ट्रेनिंग ये बताना। मैं क्या बताऊं मेरी ट्रेनिंग के बारे में? कौन सी ट्रेनिंग? हाँ अच्छा वो ट्रेनिंग। अरे वो तो एकदम मस्त चल रही है भाभी। हमारा दोस्त तो बिल्कुल सितारों की तरह बैच में चमक रहा है। और सीसी प्लस और सैप तो इसके मुंह जबानी याद है, और जावा तो इसके बचपन के दोस्त बन गए हैं। अब ये इतना टैलेंटेड है ना कि वो लोग भी कह रहे हैं कि इसे ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, क्योंकि सिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। तो बस जितनी जल्दी हो सके जॉब ज्वाइन कर। हां भाभी तुम्हारे मैनेजर की उम्र बहुत लंबी है। नहीं नहीं उनकी उम्र लंबी हो गई तो मुझे बहुत परेशानी होगी। किशोर सर अरे ये घोंचू अब नहीं बचेगा। मैम भाभी ऐसी जगह पे कोई किसी से मिलता है क्या? अच्छा नहीं लगेगा, चलिए चलते हैं। चल चल। क्या बात हुई? जो मैनेजर तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं उन्हें विश भी नहीं करोगे? हाँ ठीक है मैं जाकर विश करके आता हूँ। ये सही कह रहा है भाभी। अरे सुन बगल में चाय अच्छी मिलती है, पिला कर ला। हेलो सर, मैं आपसे कहना चाहता था कि बैंगन खरीद लीजिए, बहुत अच्छे हैं। मुझे पसंद नहीं है। मैम अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। आपको पता भी है कि इसने क्या किया है? हाँ पता है। पता है? दर्शन ने बता दिया है मुझे। दर्शन ने बता दिया? क्या बताया तुमने दर्शन? इसने बताया कि आप भाभी से बात करना चाहते। लेकिन इसे कैसे पता कि मुझे क्या बताना है? सुनिए सर आप उसी बारे में बात करना चाहते थे ना जो भाभी को पता है। अबे घोंचू पहले ये बता कि तू है कौन। मेरा दोस्त है। बात आप बताए ये बताए क्या फर्क पड़ता है, भावना पहुँचनी चाहिए। तो मैडम आपको सारा मैटर पता है? हाँ पता है। हाँ इन्हें पता है। ओके बच गए। चलिए भाभी चलते हैं। मैम पूरा मैटर जानने के बाद भी आपको कुछ फील नहीं हुआ? मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये सब जानकर ये इतनी खुश क्यों है? मुझे भी जानकर बहुत खुशी हुई। पापा को भी ये बात जानकर बहुत खुशी होगी। ये ओवर एक्टिंग करने वाली कौन है? इसकी मंगेतर। तुम मंगेतर हो? तब तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। अरे मैम देखिए एक्चुअली बात ये है कि ये मुन्ना जहाँ तक पहुँच पाया है उसकी वजह आप। अरे आप मुझे जिम्मेदार बता रही हैं? ये सही नहीं है। आखिर मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? असली वजह तो आप है मैडम। देखा कितने महान है भाभी, आप इन्हें क्रेडिट दे रही हैं और ये वही क्रेडिट आप ही को लौटा रहे हैं। ये क्रेडिट है? क्रेडिट है ये? आपको हाइपरटेंशन है क्या? ये तो बचपन से ही ऐसे। हेलो सर बचपन से ही ऐसे। सर कहा तो ठीक है। ओके सर चलते हैं फिर मिलेंगे। मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा। ए डोंट टच नो। दर्शन भिंडी लेकर आ, मैं आगे चलता हूँ। अब भाभी चलिए ऑटो पकड़ते हैं। अरे दर्शन उन्हें सच में मैटर पता है क्या? उन्हें तो सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन लगता है आपको पता करा ना अभी बाकी है। किस बारे में? वो शिवा भाई को जानते हो? उस गुंडे शिवा से डरने के दिन तो अब गए। सुना है पिट गया है किसी से। किसी ने पीटा है। इसमें और क्या? सच में? सर हमें पोल्यूशन कंट्रोल के रूल सख्ती से फॉलो करने होंगे। मैडम की मीटिंग बस आज ही है या कल भी होने वाली है? नहीं आज ही आखिरी मीटिंग है, उसके बाद वहीं पे आरटीओ ऑफिस। अच्छा अंकल थैंक यू। हेलो किसी शिवा के गुंडे यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। वैसे इसका चाकू तो बड़ा तेज लग रहा है, पूछो कहां से खरीदा। हम भी एक ले आएंगे, सब्जियां आसानी से कटेंगी। अरे मुन्ना अगर तू यहाँ 5 मिनट में नहीं आया तो इस लड़की के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तू पहचान भी नहीं पाएगा कि वो टुकड़े किसके हैं।
चलो रे। ए, क्या हुआ, होश उड़ गए? डोंट वरी, जीतूंगा मैं ही। मेरा टारगेट तो तुम्हारी भाभी है। ये सब तो तेरा ध्यान भटकाने के लिए किया था। अब वहां से अपनी भाभी के पास पहुंचने में तुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे और मुझे बस 5 मिनट। एंड आई एम ऑलरेडी ऑन माय वे। कैसा है तू, अपनी भाभी माँ को अकेला छोड़कर चला गया? सर, आपको यहां से निकलना चाहिए। हमें पता चला है कि आप पर अटैक होगा। अटैक? दिमाग खराब है क्या? कौन करेगा मुझ पर अटैक? कॉपरेट कीजिए सर, अगर आपको कुछ हुआ तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। प्लीज, आपकी प्रोटेक्शन हमारी ड्यूटी है। किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन? सब मोबाइल यूनिट्स अलर्ट हो जाइए। खबर मिली है कि शिवा भाई पर कोई हमला करने वाला है। उनकी लोकेशन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस। मैं रिपीट करता हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस। उस एरिया में जितने भी यूनिट्स हैं, अप्रोच इमीडिएटली। तब भाभी से 5 मिनट की दूरी पर थे, अब उनसे 5 सेकंड की दूरी पर हो। दम है तो आगे बढ़ाओ। सर प्लीज, कार में बैठ जाइए। मुन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, वो मैं ऑफिस नहीं गए तुम? उन्होंने जो काम दिया था आधे घंटे में ही हो गया, तो सोचा यहाँ चला आता हूँ। तुम हो ही इतने काबिल, दिल लगा के करो तो कुछ भी कर लोगे। मुन्ना, मैं यहाँ हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने महेश अंकल को फोन किया था, उन्होंने कहा आप शाम को मंदिर जाने वाली हैं, तो सोचा आपके साथ चलूं। तो चले चले। दर्शन कहाँ है? काउंटर पर है। ठीक है, विजय तू भाभी को लेकर अंदर जा। भाभी, मैं प्रसाद खरीद कर आता हूँ। वो देख पल्लवी। पल्लवी, तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। पहली मुलाकात पे तुम्हें प्रपोज कर दिया, तुम्हारे घर आके रहने लगी, इसलिए तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। पल्लवी, ऐसे बात वो नहीं मेरी है। जान ले सकते थे, फिर भी मैं डरी नहीं।
और उस वक्त तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की, मुझे वहां अकेला छोड़ दिया। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब तुम वहां से गए मेरा डर और बढ़ गया। पल्लवी, मेरा प्यार तो लव एट फर्स्ट साइड था, लेकिन अब पता चल गया कि वो सिर्फ वन साइडेड था। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो पल्लवी। उसे मात देना इन प्यादों की तरह आसान नहीं है भाई। अरे याकूब भाई, वो बात नहीं है, बहुत अर्जेंट है, जल्दी करो। चलो। अरे बाइक बनने में अभी 2 दिन और लगेंगे। भाभी को शक हो जाए, इससे पहले बाइक घर पर होनी चाहिए। हाँ सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम नारायण है, मैं श्रीनिवास का दोस्त हूँ। श्रीनिवास ने शिवा ट्रेवल्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उस पर केस करने की कोशिश की थी। ये जानकर शिवा ने उसकी हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया। सब जानते हैं लेकिन आवाज उठाने से डरते हैं। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम पहले इंसान हो जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। मुझे भरोसा है कि श्रीनिवास ने वो सबूत कहीं न कहीं हिफाजत से रखे हैं, या तो उसके घर पर है या फिर उसके फैक्ट्री में हो सकता है। अगर सबूत मिल जाए तो शिवा को कोई नहीं बचा सकता है। तुझे यहां बंद करके तेरी भाभी को मारने जाऊंगा, तब तुझे मारने में बड़ा सुकून मिलेगा। उस नारायण को मैंने ही भेजा था बेवकूफ, उस मिलिट्री वाले को भी मैंने ही सबूत के लिए मारा था। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस सबूत को ऐसे ही छोड़ दूंगा? हाँ थोड़ा तो दिमाग चलाता। अब तेरी भाभी को ऊपर का टिकट देता हूं। गेम फिनिश। ये फोन, ये मेरी बैटरी इस फोन में चल जाएगी। उठा दर्शन, उठा। सुन बे, मैडम कहाँ है? हाईवे पे चेकिंग कर रही है सर। ब्रेकिंग न्यूज, शिव शक्ति ट्रेवल्स के ओनर डॉन शिवा का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। इस वीडियो को देखकर लोगों में सनसनी फैल गई है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शिवा ने खुलेआम एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर श्रीनिवास का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। शिवा तुम फौरन ये शहर छोड़ दो, अगर पकड़े गए तो छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। शिवा, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं।
सर बहुत ज्यादा ही इज्जत दे रहा है तू। ऐसा क्या? हाँ। शिवा यहाँ। बस दो मिनट सर, चिंदी मैटर है। ये तो अपनी ही बिछाए जाल में फंस गया। शिवा तूने एक मिलिट्री के ऑफिसर को मारा है, तूने ऐसा सबूत के लिए किया था और उसने मरते मरते अपनी मौत को ही सबूत बना दिया। मैंने कहा था ना हम छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे बच्चे का फेसबुक पे एक अकाउंट होता है, उस पे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आया नहीं कि सब लोग शेयर पे शेयर कर देते हैं। अच्छा सुनो, क्या लगता है इन 10 दिनों में मैं भाभी को बचाने में कामयाब हो पाऊंगा? अब तक के हिसाब से तो तू ही जीत रहा है, बात का पता नहीं। अगर मैंने इसे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दिया तो फिर तो तू शर्त जीत गया। तुम्हारी वजह से मेरा नाम और शोहरत सब चला गया और उसके साथ साथ मेरा खौफ भी। खोने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन तुम्हारे पास परिवार, दोस्त, ये मिडिल क्लास वाले इमोशन सब हैं। क्लाइमेक्स का टाइम आने में अभी भी 3 दिन का वक्त है। इसका चैप्टर तो अब क्लोज हो गया है, ये जल्दी से बाहर नहीं आएगा। आगे क्या करना है? आज तक भाभी के लिए ड्यूटी कर रहा था, अब भाभी की बताई ड्यूटी करूंगा। ओह, उससे पहले एक जरूरी काम करना है। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपा कर रखा? कहना तो चाहता था पर तुमने मौका ही नहीं दिया। शिवा अरेस्ट हुआ? हो गया। छोटी मालकिन। बोलिए मिस्टर मुन्ना। मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मैंने आपको बताया था ना मेरी गर्लफ्रेंड पल्लवी, आप अपनी बहन से बात करके हमारी शादी की सेटिंग करवाई है ना। मैं क्यों करूं, तुम्हारी प्यारी भाभी है ना, तुम बात करो। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, दीदी से बात कीजिए ना। मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे लगता है उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। मेरा भी कुछ वैसा ही है, जब से उसे पहली बार उस बस स्टॉप पे देखा है उस दिन से आज तक उसी का ख्याल है। आज मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो भी सिर्फ उसी के लिए है। तनख्वाह में से खर्चे काटकर 6,000 बचेंगे, वो मैं उसी को दे दूंगा, फिर वो जैसे चाहे खर्च कर सकती है। अगर पल्लवी मेरी ना हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। छोटी मालकिन, इतना ही कहना था, आगे आपकी मर्जी। सबूत बहुत पुख्ता है शिवा, बेल मिलना मुश्किल है। केस की अगर हियरिंग हुई तो सजा जरूर होगी। किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ कल से कल बाहर निकालो, उसके लिए जो चाहे करना पड़े करो। अरे सॉरी सर। हाँ एक्चुअली 10 दिन बाद आने वाला था पर मेरा काम जल्दी हो गया। उस शिवा को जेल भेज दिया और मैं खुद इस जेल में। तुम्हारी भाभी को उन्हें कुछ नहीं पता और उन्हें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं हो सकता। बेटी तुम तो बड़े गर्व के साथ कहती थी ना कि तुम्हारा देवर किसी आईटी कंपनी में जॉब करता है, यह अब भी गुंडागर्दी कर रहा है और तुमने इस नालायक के लिए प्रॉपर्टी बेच दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये झगड़े ऐसे खत्म नहीं होते, सिर्फ इसे ही नहीं इससे जुड़े सभी को जान का खतरा है। मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालूंगा। एक मिनट रुकिए सर, भाभी मैं आपको सब सच बताता हूं। तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो ये सोचकर मैं कितनी खुश थी। तुमने तो मेरी सारी खुशियों को रौंद दिया। कितने अच्छे से रोज ऑफिस जाने का बहाना करते थे, वो सब झूठ था। नहीं भाभी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मेरा भरोसा जीता और खुद ही उसे तोड़ दिया। अब कैसे इन सब से बाहर निकलोगे? अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
सर मुझे 2 दिन की छुट्टी और चाहिए थी। कोई नहीं आएगा मेरे साथ। हेलो, यही सोच रहा है ना कि मैं पंछी की तरह आजाद कैसे हो गया? अपना वादा कभी भूलता नहीं मैं। अरे कहां था तू जब तेरी भाभी मेरे चंगुल में थी? आ जा। कहाँ है? सुन बे प्यादे, ज्यादा भौंक मत। मैंने कहा था ना तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। आज के बाद तू हर एक पल तड़पेगा और पछताएगा। अगर तेरी भाभी को मार देता तो कुछ दिन तू तड़पता और उससे भूल जाता, जिससे मुझे सुकून नहीं मिलता। वो मरेगी और उसकी वजह सिर्फ तू होगा, और पछताता रहेगा कि तेरी भाभी की मौत तेरी वजह से हुई। ये कहानी वहीं खत्म होगी जहां शुरू हुई। मैंने तेरी भाभी को कहीं छिपा दिया है, और वैसी हालत में पता नहीं वो कितने दिन जिंदा रहेगी। अगर वो मरी तो उसकी वजह सिर्फ तू होगा, क्योंकि तू उसे ढूंढ नहीं पाया। मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि तेरी भाभी कहां है। अगर मैं जिंदा रहा तो किसी ना किसी तरह तू पता लगा ही लेगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो नहीं। जीत मेरी होगी। नहीं शिवा, 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 हे शिवा, आंखें खोलो डॉक्टर। गोली दिमाग के पिछले हिस्से में लगी है और खून काफी बह चुका है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खराब हो चुका है। पेशेंट अभी कोमा में है। आप प्लीज पुलिस कंप्लेंट कीजिए। मैंने तेरी भाभी को कहीं छिपा दिया है, और वैसी हालत में पता नहीं वो कितने दिन जिंदा रहेगी। अगर वो मरी तो उसकी वजह सिर्फ तू होगा, क्योंकि तू उसे ढूंढ नहीं पाया। सॉरी भैया, सॉरी। अगर वो मरी तो उसकी वजह सिर्फ तू होगा, क्योंकि तू उसे ढूंढ नहीं पाया है।
यार हमने सब जगह छान मारा लेकिन भाभी कहीं नहीं मिली। पेशेंट का ध्यान देना और डोजेस टाइम पर देती रहना, ठीक है? मैं बीच बीच में आकर चेक करती हूँ। ओके मैडम। डॉक्टर, कब होश आएगा? मैंने आपको कितनी बार कहा है, अगर पेशेंट कोमा में है तो ये कोई नहीं बता सकता कि इसे होश कब आएगा। मैं भी नहीं बता सकती। हे, शिवा कोमा से बाहर आ गया है। आप अंदर कैसे आ गए? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे पता पता मेरी भाभी कहाँ है बोल। ये कोई जवाब नहीं दे सकते, ये रेट्रोग्रेड अमनीशिया में है, इन्हें अभी कुछ याद नहीं। तो मैं इसे याद दिला कर रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे इसकी जान क्यों ना लेनी पड़े। तू बोलता है या मैं तुझे। ऐसा मत करो बेटा, मत करो ऐसा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे जीवन का यही एक सहारा है। एक आखिरी उम्मीद भी गई। 5 दिनों से शहर का चप्पा चप्पा छान मारा है, पता नहीं भाभी अब हमारे बीच कुछ नहीं होगा। भाभी को बुलाना, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो अब भी जिंदा है। कैसे कह सकता है तू ये? क्योंकि ये मेरा विश्वास है, माँ है वो मेरी। वो शिवा तुम्हारे दोस्त या मैं, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मुन्ना, जो तुम देख या सुन लेते हो वो तुम कभी नहीं भूलते। याद करो उस दिन को, शायद याद करने से तुम्हें दीदी का पता मिल जाए। और अगर तुम मरी तो क्या मैं जीतूंगा? और पछताता रहेगा कि तेरी भाभी की मौत तेरी वजह से हुई। ये कहानी वहीं खत्म होगी जहां शुरू हुई। ये सब कहां शुरू हुआ था? कहानी वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी। भाभी ने जो बस सीज कर दी थी वो बस इस वक्त कहाँ? सीज की गई बसेस को गोडाउन में भेज दो। आरटीए गोडाउन, आरटीए गोडाउन। सेम नंबर वाली बसेस की फोटोज लेकर पेपर्स को अटैच करो, केस फाइल कर दो। दूसरी बस यहां नहीं है। अगर यहां नहीं है तो कहां है? तुझे पता है, याद करने की कोशिश कर। उसके सैंडल पर, मतलब वो जहां गया वहां पे सड़क बन रही थी, लेकिन कहां? शिव शक्ति पार्किंग ग्राउंड,
मैं गलत समझा, सॉरी मुन्ना। भाभी सॉरी कह सकती है लेकिन एक मां नहीं। कम से कम अब तो घर में एक नौकरानी रखवा लो ना। आइए आइए शर्मा जी, मेरा दामाद जॉब करता है आईटी कंपनी में, बड़ी पोस्ट पर है, 50,000 सैलरी है। अरे मेरे वो कहाँ है? अरे हुआ या नहीं मानना, संभल के वो साइड से। परफेक्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच। इतना सब करने की क्या जरूरत है? मेरी मम्मी कह दिया कि मैं आज जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलो मुहूर्त का वक्त हो गया। आज मुन्ना को कोई पहचान सकता है? शुरू कीजिए पंडित जी। अरे भाई साहब, मेरे दामाद को तो पहचानते हैं ना आप? ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत पैसे कमाता है, मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है। कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो ना? 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। वो ड्यूटी नहीं मुन्ना सर, मेरी ड्यूटी है। मतलब तुम भी सुबह सुबह दूध और सब्जियाँ लेने भेजोगी? हम मिडिल क्लास वाले हैं, सबके सब मिले हुए हैं। ठीक है तो शादी कर ले। इट्स अ फैमिली पार्टी।